कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर रविवार 26 जुलाई से आगामी 1 अगस्त एक सप्ताह तक नगरपालिका गरियाबंद एवं नगर पंचायत छूरा पूरी तरह से बंद किया गया है। कलेक्टर छतर सिंह डेहरे ने नगरपालिका गरियाबंद व नगर पंचायत छूरा को पूरी तरह कंटेनमेंट जोन घोषित करने के पश्चात इन निकायों को एक सप्ताह के लिए पूरी तरह बंद कर दिया है। आवश्यक सेवाओं और इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। कलेक्टर छतर सिंह डेहरे, तहसीलदार राकेश साहू, नगरपालिका सीएमओ संध्या वर्मा एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आज गरियाबंद नगरीय क्षेत्र का भ्रमण कर जायजा लिया गया। बाजार चौक, तिरंगा चौक और सड़कों पर कलेक्टर स्वयं वस्तु स्थिति का जायजा लेने निकले। उन्होंने लोगों से अपील की कि एक सप्ताह के दौरान अनावश्यक घरों से ना निकलें और घर पर ही रहें। उन्होंने नगर के दुकानदारों और व्यवसायियों से भी अपील की निर्धारित अवधि अर्थात सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक ही आवश्यक सेवाओं की पूर्ति करें। डेहरे ने गरियाबंद स्थित वार्ड नंबर 3 के कंटेनमेंट जोन का भी अवलोकन किया। उन्होंने रजिस्टर का अवलोकन करते हुए कहा कि यहां से आने जाने वालों की एंट्री सुनिश्चित की जाए। इस दौरान सिटी कोतवाली में किए जा रहे कार्यों का भी अवलोकन उनके द्वारा किया गया। कलेक्टर के निर्देश पर नगर पंचायत छूरा में अपर कलेक्टर जेआर चौरसिया तथा अनुविभागीय अधिकारी निर्भय साहू द्वारा भ्रमण किया गया। छूरा नगरीय क्षेत्र में उन्होंने चौक चौराहा, गलियों और सड़कों में घूमकर स्थिति का जायजा लिया और लोगों को समझाइश दी। दुकानदारों को भी निर्देश का पालन करने को कहा गया। पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार दोनों नगरीय निकायों में फ्लैग मार्च एवं पेट्रोलिंग की जा रही है। पुलिस अधीक्षक बीआर पटेल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर द्वारा अपनी टीम के साथ लगातार पेट्रोलिंग किया जा रहा है। ज्ञात हो कि जिले के गरियाबंद और छूरा नगरीय क्षेत्र में 26 जुलाई से 1 अगस्त की मध्यरात्रि तक पूरी तरह कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस दौरान आवश्यक वस्तु और सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। शासकीय कार्यालय भी आम जनता के लिए बंद रखे गए हैं। DNX TV के लिए गरियाबंद से राधेश्याम सोनवानी, रितेश यादव की रिपोर्ट।